सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाबी खबरों के ताज़ा बुलेटिन दे विच मैं हरप्रीत सिंह मठाड़ू तुहाडा स्वागत करदा। पंजाब दी ताज़ा तरीन खबरां तुहाडे रूबरू करांगे, सो वीडियो दे विच अंत तक जरूर बने रहना। जिन्हां वीरां भैणां ने हले तक चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तां चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, तां कि खबरां दा ताज़ा बुलेटिन तुहानूं समय सिर मिलता रहे। भगवंत मान वल्लों 1 मई नूं सरकारी छुट्टी दा ऐलान। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने 1 मई दा छुट्टी दा ऐलान किया। पंजाब दी मान सरकार ने ऐलान किया कि 1 मई नूं यानी कि मजदूर दिवस उत्ते सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दिन सरकारी दफ्तर, कारपोरेशन अते सरकारी विद्यक अदारे बंद रहणगे। इस तरह दा ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों कीता। बकायदा नोटिफिकेशन भी पंजाब सरकार ने जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट वालों प्रकाश सिंह बादल ते सुखबीर खिलाफ़ अपराधिक कार्रवाई रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते उन्हां दे स्वर्गी पिता प्रकाश सिंह बादल के विरुद्ध धोखाधड़ी केस में चल रही अपराधिक कार्रवाई नूं रद्द कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि ट्रायल कोर्ट वालों जारी समन ऑर्डर कानूनी प्रक्रिया के दुरउपयोग तो इलावा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हुशियारपुर में हेठली अदालत वालों जारी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट वालों बरकरार रखे समन नूं रद्द कर दिता है। इस तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल नूं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल अते सीनियर अकाली आगू दलजीत सिंह चीमा दी पटीशनां उत्ते अपना फैसला सुरक्षित रख लिया सी। दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल की बुधवार मोहाली के एक निजी हस्पताल दे विच मौत हो गई सी। अगली खबर जगराउं तो है। कंबाइन ड्राइवर की मौत का मामला, परिवार ने लाश चुक के जिहड़ी चौंक च रख के लाया जाम। जोधां दे एक पिंड दे खेतां च कंबाइन ड्राइवर दी मौत दे मामले नूं लै के बेट इलाके दे पिंड अकूवाल दे एक परिवार ने पिंड वासियां ते लोकां नाल मिल के जलंधर जगराउं मुख मार्ग ते जिहड़ा कस्बा सिंधुआं बेट दे मुख चौंक च लाश रख के अज जिहड़ा अचनचेत प्रदर्शन शुरू कर दिता। नौजवान दी मौत दे मामले च कतल दी धारा दा वाधा करवाउण लई लाए धरने दौरान मुख मार्ग ते चक्का जाम कर लै दिता गया। कई घंटे की जद्दोजहद के धरने से ही खड़े होकर DSP वालों कतल की धारा का वाधा करवाने पर धरना चुकया जा सकया। मामला थाना जोधां के एक पिंड के खेतों में कंबाइन ड्राइवर के कथित कतल का है, जिस धरनाकारी धारा 302 का वाधा करवाना चाहते सन। मकतूल दे भरा चमन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह वासी अकूवाल ने दसा कि उसका भरा दुला सिंह गुजरवाल दे एक किसान की कंबाइन से ड्राइवर का काम करता सी। उस दे नाल ही जोगा सिंह सहायक सी। उन्होंने दसा कि 24 अप्रैल नूं दुला सिंह समेत हैलपुर जोगा सिंह कणक की कटाई कर रहे सी तां करीब 10:30 बजे फोन ते दुला सिंह की मौत की सूचना मिली गई। मौत का कारण दिल का दौरा दसा गया। उन्होंने मुताबक अगले दिन धारा 174 तहत कार्रवाई कर लाश का पोस्टमार्टम करवाने समय डाक्टर समेत होरना तो पता लग्या कि मौत का कारण कुटमार है। अमृतपाल सिंह ने अपने वकील राही जेल विचों भेजी चिट्ठी च दित्ती यह हदायत। वारिस पंजाब जथेबंदी के मुखी अमृतपाल सिंह के मापिया ने असाम की डिब्रूगढ़ जेल में उन्होंने मुलाकात की। श्रोमणी कमेटी का कानूनी पैनल अमृतपाल सिंह के डिब्रूगढ़ जेल में बंद दूजे 9 साथियों के परिवारों को बुधवार को उत्थे लैके गया। जेल में मुलाकात तो बाद मीडिया नाल गलबात दौरान दलजीत कालसी के वकील सिमरनजीत सिंह ने एक हाथ लिखित पत्र दिखाया। उन्होंने दावा है कि पत्र अमृतपाल सिंह वालों दिता गया, जिस विच उन्होंने अपने मापियां ते जथेबंदी नूं हदायत की है कि उन्होंने कोई अलग तो वकील खड़ा ना किया जाए, बल्कि उन्होंने सारे साथियों के केस की पैरवी वकीलों का एको पैनल करे। इस मौके सिमरजीत सिंह ने कहा कि वह अपने मुवक्कल खिलाफ लाए गए NSA नूं पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। वीडियो नूं लाइक शेयर चैनल नूं सबसक्राइब करते रहना जी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग से जनता के हक च लए गए अहम फैसले। खेत कामियां नूं 10% मुआवजा देने का ऐलान। किरती वर्ग नूं मजदूर दिहाड़े का तोहफा देंदे हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई विच पंजाब वजारत ने कुदरती आफतां नाल नुकसानी फसल लई दित्ते कुल मुआवजे उत्ते 10% मुआवजा राशि खेती कामियां नूं देण दा ऐलान कीता। यह फैसला इत्थे सर्किट हाउस विखे मुख्यमंत्री की अगुवाई विच हुई मंत्री मंडल की मीटिंग दौरान लिया गया। मंत्री मंडल की मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करते हुए मुख्यमंत्री ने विस्तार विच दस्सिया कि इस वड्डे उपराले का उद्देश खेत कामियां की सहायता करना है जो अजिहे मुआवजे तो वेरवे जाते हैं, जबकि कुदरती मार का सामना उन्होंने भी करना पैंदा है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाल नाल खेत मजदूरों भी कुदरती आफतों कारण काम के होंदे नुकसान लिए मुआवजा दिता जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि आउंदे 1 मई को मजदूर दिवस मौके सूबा सरकार की सौगात समुचे किरती वर्ग लई
है जो फसलां पालने लई खेतां विच अपना खून पसीना वहाउंदे हन। साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दा अंगीठा संभालिया श्रोमणी अकाली दल दे सरप्रस्त ते साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल दा पिंड बादल जिला श्री मुक्तसर विखे अंगीठा संभालिया गया। अंगीठा संभालण दी रसम मौके श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने अरदास कीती ते इस तों पहलां दमदमी दे मुखी ज्ञानी हरनाम सिंह धुम्मा ने पाठ पढ़िया। फुलां दी रसम सुखबीर सिंह बादल, बेटी प्रनीत कौर, नूह हरसिमरत कौर बादल, पोतरा अनंतवीर सिंह, पोतरियाँ हरकीरत कौर, गुरलीन कौर, बिक्रम सिंह मजीठिया ते मनप्रीत सिंह बादल समेत होर परिवारक मैंबरां वल्लों कीता गया। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने ऐलानिया 8वीं जमात का नतीजा। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने अकादमिक वरे 2022-23 के 8वीं जमात के नतीजे का ऐलान कर दिता। इस बार फिर धियां ने मापिआं का माण वधाया। बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर वरिंदर भाटिया वालों 8वीं का नतीजा ऐलाना गया। इस मौके प्रीख्या कंट्रोलर जनक राजवी मौजूद सन। 8वीं जमात के नतीजे में मानसा जिले की धी ने बाजी मारी। सरकारी कन्या स्कूल बुढ़लाडा की रहने वाली विद्यार्थन लवप्रीत कौर पुत्री कुलविंदर सिंह ने 100% अंक प्राप्त करके सूबे में पहला स्थान हासिल किया। दूजे स्थान पर रही विद्यार्थन गुर अंकत कौर पुत्र सुखविंदर सिंह भी सीनियर सैकेंडरी स्कूल बुढ़लाडा की विद्यार्थन है, जबकि तीजा स्थान लुधियाना जिले के गुरु नानक पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल बसियां की विद्यार्थन समरप्रीत कौर ने हासिल किया है। बठिंडा की सरहद नहर च डिगी बस, अद्धी दर्जन सवारियां जख्मी। सरहद नहर की बठिंडा ब्रांच में सवारियों नाल भरी बस डिग पई। इस घटना में अद्धी दर्जन सवारियां जख्मी हो गई, जिन्होंने समाज सेवी संस्था ते पिंड वासियों ने सिविल हस्पताल दाखिल करवाया। प्राप्त जानकारी अनुसार पैपसू रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन खुद भी मिनी बस बठिंडा तो वाया गोबिंदपुर नथाणा नूं चलती है। उक्त बठिंडा तो नथाणा लई रवाना हुई सी, जदों उक्त बस बीबी वाला पिंड दा सरहद नहर दा पुल पार कर रही सी तां अचानक बस सरहद नहर दे विच जा डिगी। पंजाब दे हज़ारां अध्यापकां नूं लगा वड्डा झटका। अपनी वल्लों पूरी तैयारी नाल पंजाब सरकार दी ऑनलाइन अध्यापकां तबादला नीति तहत अपलाई करन तों बाद तबादले दी उड़ीक कर रहे सूबे दे हज़ारां अध्यापकों को वड्डा झटका लगा। सूबा सरकार ने मार्च महीने दौरान शुरू की तबादला प्रक्रिया रद्द कर दिता है। इसका कारण डाटा अपडेट नाल जुड़िया हुआ। सूबा सरकार हुण इस तकनीकी खराबी नूं सुधारन दे विच लगी हुई है। पिछले साल सूबा सरकार ने अध्यापकों के तबादले बहुत ही वधिया तरीके ऑनलाइन ढंग नाल कीते सन, जिस तों बाद किसी भी अध्यापक नूं किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी होने की सूचना नहीं आई सी। माइनिंग विभाग का कारनामा, जिन्हों को जमीन नहीं उन्होंने भेजे नजायज़ माइनिंग के नोटिस। सरकारी विभागों के अजब कारनामे आए दिन सामने आते हैं। हुण माइनिंग विभाग ने जमीन में गैर कानूनी माइनिंग करन दा दोष लगाते हुए 11 अजिहे लोगों नूं नोटिस भेज दिते है, जिन्हों को जमीन नहीं है ते ना ही उस जमीन ते किसी तरह का कोई कब्जाधारी हन। जवाबी कार्रवाई में पीड़ित लोगों के वकील ने लीगल नोटिस जारी करते हुए लोगों को मानसिक तौर पर परेशान करने लिए 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति मुआवजा ते 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रक्रिया का खर्च देने की मांग की है। अमृतपाल सिंह के समर्थन च खालिस्तान बन्नू ने किया वड्डा ऐलान, सुरक्षा बल अलर्ट। खालिस्तान पक्षी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह के समर्थन च वीडियो जारी किया। पन्नू ने कहा कि 29 अप्रैल में पंजाब के लोग रेलवे ट्रैक से बैलगड्डिया ट्रैक्टर खड़े कर देन। पन्नू ने कहा कि 23 मई में आस्ट्रेलिया के शहर सिडनी च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अमृतपाल मामले में जवाब मंगे जाएगा। पन्नू ने यह भी कहा कि इस बार मसला जमीन का नहीं जमीर का, 29 अप्रैल में पंजाब पूरी तरह बंद करना चाहिए। ट्रेन रोकने का आवाज़ डिब्रूगढ़ जेल तक जानी चाहिए ता जो पता लगे कि पंजाब के नौजवान जागती जमीर वाले हैं। सो ये सन अज दी मुख्य खबर। उम्मीद है कि तुम वीडियो में लाइक शेयर चैनल में सबसक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं खबरों के अगले ताज़ा बुलेटिन के नाल। तद तक दिली मेहरबानी, धन्यवाद जी।